Hey, तू सच में टाइप कर रहा है या मैडम की आवाज सुनकर तेरी उंगलियां कांप रही हैं? मैडम यहाँ देखिए, मैडम आपने जो एरिया बताया उसमें 20 प्लम्बर्स, 30 इलेक्ट्रिशियंस और 40 एसी मैकेनिक्स की एंट्री नहीं हुई है। Hey, इधर आओ ना। इन सब का नाम वर्कर डेटाबेस में डालना ही मेरा काम है मैडम। तेरी तो अगर ऐसा है तो जिस एरिया का ये डेटाबेस है उसमें इन सब का नाम आना चाहिए ना, सिर्फ मारिमुत्तु का नाम कैसे आया? मैडम आप तैयार हो जाइए। सॉफ्टवेयर डिजाइन वो करता है, उससे पूछे मैडम। वो रहा मैडम वो झिंगूर। चेक कर रहा मैडम, आई विल टेल यू वन मिनट। यहाँ देखिए मैडम, किसी ने हैक किया है मैडम। किसने हैक किया है? पता नहीं मैडम, सोर्स फाइल ऑन हो तभी आईपी एड्रेस का पता चलेगा। सच नहीं बताया तो खोपड़ी उड़ा दूंगी। गायत्री इन्हें छोड़ दो। इस केस में हमारे लिए मेजर क्लू यही लोग हैं, इन्हें छोड़कर कैसे पकड़ेंगे? हेलो मिस्टर कमिश्नर। कौन है रितु? अगस्त 15th, मास रॉबरीज। फाइनली तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन में चेन्नई सिटी में तहलका मचा के डायल फॉर हेल्प तक तुम लोग पहुंच गए। कंग्रेट्स। मारिमुत्तु के वाइफ और डायल फॉर हेल्प के सॉफ्टवेयर डिजाइनर को इंट्रोगेट करने से मुझे पकड़ लोगे सोच रहे हो? इट्स नॉट अ टर्निंग पॉइंट मिस्टर कमिश्नर, इट्स अ डेड एंड। ये क्या बोल रहा है? Yes, इसके आगे तुम्हारी जांच एक इंच भी नहीं बढ़ेगी। अभी तक इस केस में तुम्हें जो कुछ भी मिला वो सिर्फ नंबर्स और डेटा है, चाहे जितना करे दो सिर्फ यही पाओगे। यू कांट मेक अ सिंगल अरेस्ट मिस्टर कमिश्नर। क्या मुझे डरा रहा है? नो नो, इट्स एन ओपन चैलेंज। तुम्हारा साइबर सेल 24 घंटे काम करेगा तो भी मेरे डायरेक्शन का पता नहीं लगा पाएगा। नहीं समझे? टर्न राइट। तुम लोग मेरी लोकेशन नहीं ढूंढ सकते लेकिन मेरी नजर तुम लोगों पर हमेशा रहेगी। Because I am everywhere. हवा में सिर्फ आत्माएं ही नहीं, रेडियो एक्टिव वेव्स भी घूमती है। तुम लोग मुझे देख भी नहीं सकते। Welcome to digital world, Mr. Commissioner. इसमें से कमिश्नर को उठा? Yes, sir. कमिश्नर को कैसे उठाएंगे? ये हमारे बस की बात नहीं है सर। कुमार सर, इस आवाज में 4 बार मिस्टर कमिश्नर इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए उठाने को। इन चारों शब्दों का पेस, वॉल्यूम, पिच और टिम्बर, इनके लेंथ और डेप्थ पॉइंट्स को प्लॉट करो। यस सर। सर सब इक्वल है सर। कैसे चंद्रू, कोई इंसान 4 बार एक ही शब्द का लेंथ और डेप्थ एक समान रखकर बात कर सकता है? करेक्ट, इंसान से नहीं हो सकता, कंप्यूटर से हो सकता है। कंप्यूटर से हो सकता है? प्री रिकॉर्डर से? जरा एक मिनट। कुमार सर, कमिश्नर के बारे में तुम क्या सोचते हो? वो तो छुछुलदर है, उसके बारे में क्या कहूं? अरे कुछ भी बोलो ना। आप कहोगे तो मैं उसकी इज्जत उतार दूंगा। ऐसे ही बोलते रहो। सर कमिश्नर का थोपड़ा देखा, चमगादड़ जैसी शक्ल है और ऊपर से चश्मा लगा रखा है। अरे मेरे हाथ में कोई छड़ी हो तो उस छुछुलदर का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों का तीनों बिगाड़ दूं। सर बोलने दीजिए, फ्लो में निकल रहा है। अब तुम ओवरफ्लो हो रहे हो। सर आपको एक ऑडियो क्लिप सुना था, सुनिए। सर अगर वो छुछुंदर मुझे कहीं दिखाई देगा तो उसे वही दबोच लूंगा। सर लेकिन ये क्या? ना ये कंप्यूटर वॉइस है, ना ही प्री रिकॉर्डेड वॉइस है, वॉइस सिंथेसाइजर। वेलकम टू डिजिटल वर्ल्ड मिस्टर कंप्यूटर। हम जो भी टाइप करेंगे ये वही बोलेगा, आतंकवादी यही तकनीक इस्तेमाल करते हैं। भले ही आपका सीसीटीवी हैक हो जाए पर कोई अंदर जाकर वायरलेस एडाप्टर इंस्टॉल करे तो ही हो सकता है, लेकिन कमिश्नर ऑफिस में जैसे सर। कमिश्नर एसी मैकेनिक से इंटरनेट तक के लिए वही फोन करते हैं, अब जाओ ना। डायल फॉर हेल्प। पहले इस एडाप्टर को डिस्कनेक्ट करके नेटवर्क को क्लोज करो। ओके सर। फिक्र मत कीजिए सर,
अगस्त 15th, रॉबरी केस ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है। क्या अपराधी का पता लग गया? क्या अपराधी का पता लग गया है? कब पकड़ने वाले हो? क्या उसे पकड़ पाएंगे? तुम जो इस तरह के सवाल पूछ रहे हो, इनका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता। लेकिन एक बात जान लीजिए, वो भले ही पाताल में भी क्यों ना हो, ना तो वो हमसे बच के जा सकता है, ना ही अंडरग्राउंड हो सकता है। थैंक यू चंद्रू। मेरी को समझ में नहीं आ रहा है सर, उनके प्लान का बेस डायल फॉर हेल्प ही है। वो आपको फोन करके आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ऐसी हमें चेतावनी दे रहा है, लेकिन इस बार हमने सीधा उसके ईगो पर चोट की है, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर आपको फोन करेगा। बात कीजिए सर, चाहे जितने भी आईपी एड्रेस के पीछे छुपा हो, हम पकड़ लेंगे। हेलो मिस्टर कमिश्नर। यस सर। बच नहीं सकता, ना ही अंडरग्राउंड हो सकता है। तुम्हारी इन बातों का दम तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिखा, तभी मैं समझ गया कि तू मेरे लिए जाल बिछा रहा है। इस वक्त मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, तेरे पीछे छुप कर जो मुझे सुन रहा है उस आईटी वाले दिमाग से बात कर रहा हूँ। हेलो मिस्टर मास्टरमाइंड, सुन रहे हो? बहुत 30 सेकंड से ज्यादा पार कर गई है। क्यों, तुम्हारे आईटी एनालिस्ट ने बताया नहीं? 30 सेकंड तो क्या, 30 घंटे भी क्यों ना लग जाए, तुम मेरी परछाई का भी पता नहीं लगा सकते। मेरे लोकेशन जान जाओगे तो क्या मुझे पकड़ लोगे? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज, 00100, ये कोड फीड करो। सर लोकेशन ऑन स्क्रीन सर। यही है मेरी लोकेशन। पल्लावरम के पास एक फैक्ट्री है। Welcome to my den. Better luck next time. सर ये लीजिए आपकी चाय, कम शुगर वाली। थैंक्स। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सर। ये ले, रख ले। थैंक यू सर। सर पैसे देकर पुलिस वालों का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? सर मैं 50 साल का हो गया हूँ, मुझे शुगर है घर वाली को भी याद नहीं है, लेकिन ये लड़का कभी नहीं भूलता है, इसीलिए। सर आप चाय पी के जल्दी से एक ग्लास दीजिए ना, मुझे जाना भी है। तेरा काम तो चाय पिलाना है, और इससे बड़ा क्या काम है? नहीं सर, मुझे ये सारे तिरंगे बेचने हैं सर, और शाम से पहले बेचने हैं, नहीं तो 4 बजे के बाद कोई नहीं खरीदेगा सर। लोगों की नफ्स तू जानता है, बहुत कमाएगा, जा। थैंक यू सर, ओके सर, चलता हूँ सर। यस पुलिस कंट्रोल रूम। सर सर मेरे घर में 2 नकाबपोश आए, कहने और पैसे सब लूट के ले गए, तुम्हारे सर पे पिस्तौल तान के सब ले गए। आपको कुछ हुआ तो नहीं? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मेरी पेंशन का सारा पैसा ले गए। आज जल्दी आइए ना। एड्रेस बताइए। नंबर 15 सेकंड स्ट्रीट, गांधीनगर, अडियार। आप घबराइए नहीं, 5 मिनट में पुलिस पहुंच जाएगी। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम। हाँ बोलो सर। अचानक हमारे घर पे 2 नकाबपोश घुसाए सर, सेवर और पैसा सब लूट कर ले गए सर, आप जल्दी आइए सर। अभी अभी तो बताया पुलिस पहुंचने ही वाली है। नहीं सर मैं तो अभी अभी फोन कर रहा हूँ। गांधीनगर नंबर 15 सेकंड स्ट्रीट अडियारी है ना? नहीं सर मैं इंदिरा नगर से बोल रहा हूँ। इंदिरा नगर से? We'll be right back.
हमारा गणतंत्र दिवस है और इस दिन को धूमधाम से मनाने वाले मेरे छात्र छात्राओं सर स्वतंत्रता दिवस के बदले गणतंत्र दिवस बोल रहा है। ये तो कुछ भी नहीं, पिछली बार के समारोह में तुलसीदास के बदले कबीर दास बोल रहा था, उसके लिए क्या बोलोगी? ये भी ना। हाँ बोलो। क्यों जी, मैंने मछली लाने के लिए कहा था ना, क्या हुआ? देखो अभी अभी तो इसने भाषण देना शुरू किया है, झंडा फहरा लेने दो, फिर तुम्हारे लिए सुरमई मछली लेके आऊंगा, रखता हूँ। हाँ बोलो सर, इस वक्त आप कहाँ हैं सर? जल्दी से इंद्रानगर और गांधीनगर के लिए निकलिए सर। क्यों, क्या हुआ? वहाँ रॉबरीज हो रही है सर। रॉबरी हुई है ना सर? 8 घरों में चोरी हो चुकी है। क्या कहा, 8 घरों में? हाँ सर। दूसरे राज्यों से आके घुस गए हैं क्या? सर 8 नहीं 9 घर। झंडा फहराने के बाद वापस थाने जा रहा। सर आपके सर्किल में अगस्त स्ट्रीट और राजानगर स्ट्रीट में करीब 7 घरों में गन पॉइंट पे चोरी हुई है सर। गन पॉइंट पे चोरी? अभी तक अड्यार और बसंत नगर के 18 घरों में चोरी हुई है सर। एयरपोर्ट पे सर्विलेंस पे जितने हैं सबको बुला लो। इंद्रानगर या मैजिस्टिक रोड जाना है, आखिर थाना कहाँ ये बताओ। इंद्रानगर के 4 घरों में चोरी हुई है सर और मैजिस्टिक रोड में 6 घरों में। बड़ा पाव 4 समोसा 6, तू होटल में बैठे ऑर्डर दे रहे क्या? आखिर चोर है कौन? अभी तो झंडा फहराना शुरू किया है, चॉकलेट भी नहीं मिली है। सर आपके सर्किल में महालक्ष्मी गली में 9 घरों में चोरियां हो चुकी हैं सर। 9 घरों में? शास्त्रा कॉलोनी में 3 घरों में, वहाँ फौरन जाइए सर। ए, शास्त्रा कॉलोनी मेरे एरिया में नहीं आता है ना सर। आडियार और बसंत नगर में अभी तक 36 घरों से भी ज्यादा लगातार एक के बाद एक चोरियां हो रही है। अंडाली स्ट्रीट या कृष्णा स्वामी स्ट्रीट, दोनों के बीच में ही खड़ा हूँ, किधर जाना है? आडियान, तिरवान मयूर, बसंत नगर, CIT कॉलोनी, कुल मिला के 49 घरों में चोरियां हुई है सर। क्या कहा, स्वतंत्रता दिवस के दिन 49 घरों में? अच्छा इसके बाद तो कॉल आनी रुक गई ना, अब तो कोई कॉल नहीं आ रही है ना? नहीं सर, 5 मिनट से तो कोई कॉल नहीं है। ये भी घड़ी घड़ी परेशान किया जा रही है। हाँ बोलो। अरे तुम मछली लाने वाले हो कि नहीं? हाँ सर, मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ, अब फोन लगा और मार। जहाँ जहाँ चोरियाँ हुई है वहाँ के सभी इंस्पेक्टर्स को पुलिस हेडक्वार्टर में असेंबल होना है। क्विक, लेट्स गो मिस्टर सोना। कमिश्नर, 15 अगस्त के दिन तुम क्या कर रहे हो? फोन पे फोन आ रहे हैं, जवाब देना भारी पड़ रहा है। उसी बारे में मीटिंग चल रही है सर, जैसे ही खत्म होगी मैं खुद फोन करूंगा। ये भी एक, जब देखो तब। कहाँ है वो J2 इंस्पेक्टर सुरेश, दिखाई नहीं दे रहा है? अटो, 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 अटो। सर तेरे एरिया में ही ज्यादा रॉबरीज हुई, कहाँ गया था तू? सर होम मिनिस्टर के साथ स्कूल पे गया था सर। ओहो, तुझे अपने साथ में रखकर वो मुझे यहाँ फोन कर रहा है? नॉनसेंस, पुलिस के हिस्ट्री में पहली बार August 15th इंडिपेंडेंस डे के दिन कितनी बड़ी रॉबरीज हुई हैं और 49 घरों में डकैती पड़ने तक तुम सारे के सारे कर क्या रहे थे? सर
यहाँ चेन्नई शहर में 100 नंबर पे कोई डायल करता है तो हमारा रिस्पांस टाइम मैक्सिमम 7 मिनट का होता है सर। ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट में हम पहुँच जाते हैं सर, लेकिन आज हमारी फोर्स पूरे शहर में बिखरी हुई थी इसलिए 15 मिनट लग गए सर। जब इतने सारे कॉल्स आए तभी उस एरिया को अलर्ट कर दिया होता तो इतने घरों में चोरियां नहीं होती। जैसे जैसे कॉल्स आती गई सारे एरियाज में मिनिमम फोर्स भेज दी गई थी सर, फिर भी हम रोक नहीं पाए क्योंकि उनका पैटर्न अगर देखा जाए तो उन्होंने छोटे मोटे घरों में चोरी नहीं की है सर, पहले से ही जहाँ चोरी करने की प्लान किया हुआ था। इसमें देखने वाली बात यह है कि वो लोग हर एक घर का ब्लूप्रिंट अच्छी तरह से जानते हैं सर। What? जिन घरों में चोरी हुई वहाँ पर जाकर हमने जब पूछताछ की तो जेवर पैसा कहाँ कहाँ रखा है वो ये सब जानते थे, इसलिए एक मिनट भी गवाए बिना उन्होंने चोरियाँ की। क्या कोई कन्विंस करने वाला क्लू मिला? सर, नो फिंगरप्रिंट्स, नो फुटप्रिंट्स, यहाँ तक कि स्निफर डॉग्स का भी इस्तेमाल किया, नो यूज। पूछताछ करने के बाद सबका एक ही जवाब, ब्लैक ड्रेस पहने हुए फेस मास्क में दो लोग, एक गन पॉइंट पे खड़ा रखता था और दूसरा लूटता था सर। 49 घर, पूरा शहर दहल गया है, सीसीटीवी फुटेज में भी कोई क्लू नहीं मिला। 49 घरों में से 32 घरों में सीसीटीवी कैमरा है लेकिन 12 घरों में काम नहीं कर रहा है। बाकी के 20 घरों में सर, चोरी होने वाले कुछ घरों के अंदर फुटेज क्रैश हो गए, नो फुटेज सर। एक दिन का 1.5 GB डाटा फ्री देंगे तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही। डिजिटल इंडिया, गायत्री को बुलाओ। अरे मैं घर की सफाई करने आई हूँ। एक औरत से इतना घबराना पड़ रहा है? ए, घबराए नहीं, मैं कांप गया था, फट गई थी। अपने सारे लौंडे रात को ही बाहर निकल जाएंगे, हमें भी यहाँ से निकलना है, बाकी भैया संभाल लेंगे, तो डर मत। कोरोना वायरस का तोबड़ा, मैं 2 दिन से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, तूने दरवाजा क्यों नहीं खोला? सुना नहीं। ओ, सुना नहीं इसलिए खोला नहीं, तू बंदी कर रही है, ज्यादा बोलेगी तो कुछ ना कुछ बोल दूंगा। क्यों रे, रात को घर नहीं आई, कहाँ घूम रही थी? शराब पीकर आकर तो मुझे ताने मारा है। ए, मैं शराबी हूँ, ऐसे ही पीऊंगा, जवाब दे रही है। ए, चिल्ला क्यों रहा है? खींच के। अच्छा, तूने इन दोनों को किडनैप किया या इन दोनों ने तुझे किडनैप किया? क्यों रे, गुंडों से धमकी दिलवा रही है? पति है इसलिए आराम से बात कर रही हूँ, जंगली बेवड़ा कहीं का। तो किसे जंगली बोल रही है? हाँ मैं जंगली हूँ, एक नंबर का जंगली। और ये यहाँ पे क्या कर रहा है? पता नहीं। अरे यहाँ तो 3-3 लोग है, तेरा दिमाग खराब हो गया? तू कौन है? क्यों रे काशी, क्या चल रहा है? शायद जिंदगी में पहली बार डर रहा है। जब मेरे लड़के थे तब तो तू आई नहीं, अब यहाँ आकर रौब झाड़ रही है। ओ, तेरे भाई लोग गांव चले गए हैं ऐसा सोच रहा है? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ मॉर्चरी नाम का एक एसी रूम है, वहाँ पर वो सो रहे हैं, वो भी बड़े ही आराम से। तेरे जुर्म के लिए तुझ पर केस फाइल करेंगे तो तू क्या पुलिस वालों के परिवार को ही जला देगा? इसका अंजाम क्या होता है ये तुझे भी तो पता चले। तुझे अगर जेल में डालेंगे तो तू बेल करा लेगा, इसीलिए क्यों कोर्ट केस जेल वगैरह गवर्नमेंट का बेकार में खर्चा। कुमार, रायपुरम गैंग वॉर में काशी को टपका दिया बोलकर बॉडी को मॉर्चरी में भिजवा दो। ओके मैडम। हेलो मैडम, जल्दी से कमिश्नर ऑफिस आइए, सिटी में 49 घरों में रॉबरी हुई है। व्हाट? दो ही लोग, पूरे शहर में 49 घर, जिन घरों में बुजुर्ग रहते हैं वो देखकर पक्का प्लान करके चोरी किए, चुराए गए गहने और पैसों की कुल कीमत 7 करोड़ रुपए। एक क्लू भी नहीं मिला,
और देखने वाली बात यह है, जिन घरों में चोरियां हुई हैं उनमें से ज्यादातर घरों के बच्चे अमेरिका, लंदन, सिंगापुर, कनाडा ऐसे विदेशों में रहते हैं। सर, ये सिर्फ एक रॉबरी है या? बड़ी चालाकी से ये काम किया गया, किसी पर कोई अटैक नहीं हुआ, सबको गन पॉइंट पर रखकर धमकी देकर उन्होंने गहने और सिर्फ पैसे चुराए हैं, वो भी इंडिपेंडेंस डे के दिन। मीडिया वालों ने तो हमारी बचा के रख दी। गायत्री सर, जितनी जल्दी हो सके ये केस क्लोज करो। जिन घरों में बुजुर्ग रहते हैं वो देखकर पक्का प्लान करके चोरी की, दो ही लोग पूरे शहर में 49 घर। जिन घरों में चोरियां हुई हैं उनमें से ज्यादातर घरों के बच्चे अमेरिका, लंदन, सिंगापुर, कनाडा ऐसे विदेशों में रहते हैं। सेम गैंग, सेम रॉबरी। मैडम, रॉबरी सिर्फ 49 घरों में ही नहीं हुई है, दादी का घर मिलाकर कुल 50 घर। वो घायल हो गई थी इसलिए कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? एक छोटी माइनर हेड इंजरी है, खून बहुत बह गया है इसीलिए अनकॉन्शियस है। उन्हें कब होश आएगा यह अभी बताना मुश्किल है, अदरवाइज नथिंग टू वरी। ओके, थैंक यू डॉक्टर। ठीक है मैडम, फोन लगाइए मैडम। चंद्रू सर से मनमुटाव रखने का यह टाइम नहीं है मैडम, उन्हें जल्दी से कॉल कीजिए मैडम प्लीज। यस, हेलो, आई एम कॉलिंग फ्रॉम चेन्नई। आई लाइक टू स्पीक टू मेजर चंद्रू प्लीज, इट्स एन इमरजेंसी। ही ऑलरेडी लेफ्ट फॉर चेन्नई, इट्स बीन 7 आवर्स, वो समय तक वहां पहुंच जाएंगे। ओके, क्या हुआ मैडम? चंद्रू ऑलरेडी निकल चुका है। या क्या कह रही है, हमें खुद अभी अभी पता चला, तो उन्हें कैसे? तुम चंद्रू को नहीं जानते, क्या तुम्हें याद है गुंडे काशी का छोटा भाई गुना? काशी कहाँ है? कहाँ है तेरा भाई काशी? मेरे भाई को पकड़ने के लिए कितने जाल बिछाए होंगे, और तू मेरे पहले ही बिछाए जाल में फंस गई ना, यही है गुना। मजे से मॉल में शॉपिंग करने आई थी, तुझे कोई डाइवर्ट कर रहा है, ये बात सोचे बिना ही बंदूक उठा के चली आई। हाँ, गुस्से में इंसान की खोपड़ी खुल जाती है। आधी छोड़कर चली आई, चलो चलते। ब्रो, आज ये ऑफ ड्यूटी है, कल ड्यूटी पे होगी तभी पंचायत रखना, हमें कभी कभार ही मिलने का मौका मिलता है। Thank you.
ए, वो तो सिर्फ पुलिस है, मैं मिलिट्री वाला हूँ। दोबारा कभी गायत्री के साथ लफड़ा किया ना तो मारूंगा नहीं, याद रखना, ठोक डालूंगा। ये लो, चले। बढ़िया धुलाई करते हो। तो क्या, तुम पे कोई हाथ उठाएगा और मैं देखता रहूंगा, जान से मार दूंगा। चलो। मैं थोड़ा सनका हुआ इंसान हूँ, हर चीज के बारे में सवाल जवाब करता रहता हूँ, कुरेद कुरेद के पूछता हूँ, यही है मेरा कैरेक्टर। गायत्री ने बताया था। क्या बताया था? कि वो चाचा ही सब कुछ है, वो हाँ कहेंगे तो शादी होगी। लाडली है ना, इसने जब तुमसे शादी करने की बात छेड़ी तो मैं बिना कोई फॉर्मेलिटी के खुद तुम्हारे घर पर चला आया। आप और आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आए। पर मुझे पसंद आएगा तभी ये शादी होगी ना। अब मैं ऐसे सवाल कर रहा हूँ, इस बात का बुरा ना मानना। दरअसल मेरे बड़े भाई यानी इसके पिताजी पुलिस वाले थे, जो बहुत ही ईमानदार थे, लेकिन फायदा क्या, पूरी जिंदगी एक घर भी नहीं खरीद पाए। अब शादी के बाद इसे तकलीफ ना उठाना पड़े, इसीलिए मुझे ऐसे सवाल करने पड़ रहे हैं। तुम्हारे बेटे के गुण वगैरह तो अच्छे हैं, लेकिन ये रोकड़ा वोकड़ा भी जमा किया है क्या? किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, इतने पैसे हैं सर, हम इज्जतदार लोग हैं, मैं गायत्री को बहुत खुश रखूंगा। इज्जतदार लोग यानी? तीन पीढ़ियों से इस देश के लिए प्राण त्यागने वाला परिवार है, इस देश के लिए हमने कितना खून बहाया है, ये शोकेस में देख लीजिए, उसमें रखे मेडल बताएंगे हमारे परिवार की कहानी। अशोक चक्र, मेरे पिता को मिला गौरव, करोड़ों रुपए देने पर भी ये नहीं मिलता है सर। सब बोल दिया, मेडल को रख कर भला ये क्या करेगी, उसे सिर्फ चाटा जा सकता है, अचार भी नहीं डाला जा सकता। ये सब क्या है, उम्र का लिहाज किए बिना चाचा पर हाथ उठाया तुमने? कौन, ये उम्र में बड़े हैं? सोचा था सिर्फ बाल ही पके, इनका दिमाग भी पक गया है, तुम्हारी खातिर इन्हें जिंदा छोड़ रहा हूं, ले जाओ इन्हें। How dare you? ये मेरे पिता के समान है, माफी मांगो। माफी मांगे? अच्छा है खून नहीं किया। मैं जब भी उस मेडल को देखता हूँ तो लगता है मेरे पिताजी मेरे साथ है, और उनके बारे में इन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, मैं मानती हूँ गलत बोला, लेकिन जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे ना मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगी और ना ही इस घर में आऊंगी। चलिए चाचा जी। गायत्री, जब तक इन्होंने जो कहा है उसके लिए माफी नहीं मांगते, मैं भी तुमसे शादी नहीं करूंगा। चाहता है? कोई बात नहीं दादी, जाने दो, मेरे लिए पिताजी का सम्मान जरूरी है। तुम्हें कॉल किया था पर पता चला तुम निकल चुके हो। दादी को कुछ नहीं हुआ, छोटी सी हेड इंजरी है, नथिंग सीरियस, वो हॉस्पिटल में है, शील बी फाइन। दादी के होश में आने पर ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना पैसा और जेवर गए हैं। मुझे उसकी फिक्र नहीं, पिताजी का मेडल चोरी हो गया। सब में प्लान करके चोरी की। दादी कौन से हॉस्पिटल में है?
इस बार आपको अकेला छोड़कर जाने में पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है दादी। मेरे बेटे का कितना बड़ा सपना था ये पता है? तुझे इस वर्दी में देखना चाहता था वो। तुझे इस वर्दी में देखते ना तो उनका मन भर आता। समझ नहीं आता तेरे दादा को और पिता को ये सौभाग्य नहीं मिला। मेरा पोता अपने पिता को ये तोहफा नहीं दे पाया, लेकिन मैं भाग्यशाली हूं। तेरे दादा को देखा, अपने बेटे को देखा और अपने पोते को भी देख लिया। चलता हूं। कैसे चंद्रु, मेरे फोन करने से पहले ही? इंडिपेंडेंस डे के दिन मेरा फोन दादी ही उठाती थी, लेकिन उस दिन जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो मुझे शक हो गया और मैं फौरन चला आया। इस सेंसिटिव केस को मैं ही इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ चंद्रू। बहुत जल्द उस कमीने को पकड़ लूंगी मैं। पकड़ेंगे। सुबह दूध डालने वालों से लेकर शाम को चुस्की बेचने वाले सबको उठा लाए हैं। पूछताछ चल रही है मैडम। ये सब कौन है? ये लोग छोटी मोटी चोरी करने वाले चोर उचक्के हैं, लेकिन इनमें से दो लोग हाथ नहीं लगे हैं। कौन दो? एक्स फिनांस मिनिस्टर अजय माल, सॉरी मैडम। चंद्रू, कैसा भी क्राइम क्यों ना हो, इन्वेस्टिगेशन हमेशा बॉटम में रहने वाले क्रिमिनल से ही शुरू की जाती है, तभी कोई क्लू मिलता है। मुझे रोकेगा? एटीएम में जाने से मुझे रोकेगा तू? हम पैसे ना निकाले, चुप रह तू। चंद्रू, तू मुझे रोकेगा? हां, मुझे रोकेगा? लिहाज कर रहा हूं तो सर पे चढ़ रहा है तेरी इतनी हिम्मत? सर सर सर, इसकी गलती है सर, एटीएम में नहीं जाने दे रहा सर। सर सर, मैंने क्या किया? क्या किया? आप कॉलर क्यों पकड़े? सर मैंने क्या किया? ये अखबार उठा। ऊपर लिखी हुई सारी हेडलाइंस पढ़ना। 15 अगस्त को जो चोरियां हुई उसमें पुलिस को अभी कोई सबूत नहीं मिला है। आगे स्विस बैंक में जो काला धन जमा हुआ है उसे वापस ले आएंगे, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है। क्या वो हो गया? नहीं सर। आगे बढ़। किसानों का लिया हुआ कर्जा माफ नहीं हुआ, इस वजह से 2 किसानों ने कीटनाशक पी के तड़प तड़प के अपनी जान दे दी। ये हो रहा है? वो तो यही रहा है सर। रोड को चौड़ा करने के लिए कई किसानों की जमीनों का अधिकरण कर लिया गया और जिन्होंने नहीं दिया उन्हें मारा पीटा गया। अगर तू वाकई मर्द है और तेरे अंदर मर्दानगी है तो अभी इस बूढ़े पर जो दिखाए वही मर्दानगी और गुस्सा इसमें छपी किसी भी खबर पर दिखा सकता है क्या? है इतना जोश? मैं तू मार के पूछ भी मत, विरोध करके जोर से यहाँ खड़ा हर कोई सुन सके ऐसा एक भी सवाल पूछ सकता है? पूछेगा? नहीं पूछेगा, क्योंकि वो उल्टा मारेंगे ना। हम मर्दानगी कहाँ दिखाते हैं? चप्पल सीने वाला 5-10 रुपया मांगता है तब हम मर्दानगी दिखाते हैं, कोई गटर साफ करने वाला 50 रुपए ज्यादा मांगता है तो उस पे गुस्सा आ जाता है ना।
और जहाँ एक बुजुर्ग आदमी 24 घंटे एटीएम पर चौकीदारी करता है। उसका दुख तो तुम समझ नहीं पाओगे, पर कम से कम उस बेचारे को तकलीफ तो मत दो। जहाँ मर्दानगी दिखाने की जरूरत नहीं है वहीं दिखा दे, और जहाँ दिखानी चाहिए वहां से पिटके आते हो। एटीएम के अंदर हेलमेट पहनकर जाना मना है ये जानते हुए। सॉरी सर, माफी मांगता हूँ सर। मुझसे मत मांग, उनसे माफी मांग। ओके सर, चल निकल। माफ कर दीजिए, सॉरी सॉरी। ये सब क्या है चंद्रू? भूल जाओ सर, तुम क्या कह रहे थे? छोटे अपराधियों से पूछेंगे तो लीड मिलेगी। नो गायत्री, एक बात अच्छी तरह जान लो, ये किसी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर स्ट्रीट में होने वाली रॉबरी नहीं है। अड्यार, तिरुवनमयूर, बसंत नगर, इन जगहों पर मल्टीपल एरियाज में रॉबरीज हुई हैं। अड्यार के किसी चोर को बसंत नगर में रहने वाले बुजुर्ग का घर कैसे पता, और बसंत नगर में रहने वाले को तिरुवनमयूर में कहां चोरी करनी है ये कैसे पता? दिस इज समथिंग बिग। मैडम, जैसा कि आपको शक था वैसे ही हमने सारे मोबाइल्स की कॉल की हिस्ट्री को चेक किया, तो रॉबरी के किसी भी टावर की रेंज में सब जगह कनेक्ट होने वाली किसी की भी कॉल हिस्ट्री मैच नहीं हुई मैडम। मैंने कहा था हम सही रास्ते पर ना चलकर अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अगर चोर को किसी बुजुर्ग के घर के बारे में जानना हो तो पहले घर के अंदर जाएगा, और घर के अंदर कौन कौन जाता है? पानी सप्लाई करने वाला, अखबार वाला, दूध वाला, केबल ऑपरेटर्स, घर के नौकर, सेल्स रेप्स, मेडिकल रेप्स, कुरियर वाले, वाटर प्यूरिफाइंग सर्विस, गैस सिलेंडर वाले, होम मार्केटिंग वाले, और ये बूढ़े लोग हैं तो फैमिली डॉक्टर्स भी जाते हैं। अगर इनमें से कोई नहीं है तो फिर कौन है? May I come in, madam? Yes. प्लंबर को फोन किया, वो आ ही नहीं रहा मैडम। आप उसे धमकाएंगे तो अच्छा रहेगा। बाथरूम के नल में पानी नहीं आ रहा मैडम। hey! मेरे बाथरूम में भी पानी नहीं आ रहा, ये भी कोई प्रॉब्लम है? चल जा। सुनो, उसके लिए डायल फॉर हेल्प नाम की डेटा सर्विस है ना, उनको फोन करके प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, एसी मैकेनिक, जिसकी सर्विस चाहिए बोल दो, वो घर पे भेज देंगे। कमिश्नर एसी मैकेनिक से इंटरनेट तक के लिए वही फोन करते हैं। अब जाओ ना। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, एसी मैकेनिक, हम इन्हें कैसे भूल गए? क्या नाम बताया था? डायल फॉर हेल्प। हाँ चंद्रू, ये एक पावरफुल डेटा सर्विस है। एसी मैकेनिक, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इनमें से जो भी चाहिए वो उस वर्कर का नंबर भेज देते हैं, और हम उसे फोन करके काम के लिए बुला लेते हैं। डायल फॉर हेल्प, इनका हेड ऑफिस कहाँ है? इंडिपेंडेंस डे पर जो मास रॉबरी हुई है उस बारे में आपकी हेल्प चाहिए। समझी नहीं, मैं कैसे? ये जो डायल फॉर हेल्प की सर्विस है, इसके बारे में हमें डिटेल में समझाएंगी प्लीज? इंडिया में जितने भी हैं मशहूर लैंडमार्क्स लाइक कॉफी शॉप, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी डिटेल्स हमारे पास हैं। दिस इज अ डेटा सर्विस कंपनी। जो रॉबरीज हुई उनका हमारी कंपनी से क्या संबंध? बताता हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसका क्या करते हैं आप लोग? अगर मैं आपको ठीक से कहूँ तो कोटम पेटी से चढ़कर कोई कोयम्बटूर में उतरता है तो उसकी जेब में पैसे तो होंगे, लेकिन एक एरिया से दूसरे एरिया की बस में कैसे जाना है, किस होटल में इडली सांभर मिलेगा, किस होटल में अच्छी कॉफी मिलेगी, वो नहीं जानता है। तो डायल फॉर हेल्प में फोन करना ही काफी है, उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम उसे देंगे, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। ऐसे ही अगर ये बता देंगे कि एमपी एमएलए वगैरह कहाँ है तो अच्छा रहेगा, उन्हें चुनाव के वक्त देखा था, उनका थोपड़ा भूल गया हूँ। सही कहा ना मैडम कुमार? ये सवाल मेरा नहीं है, जनता का सवाल है मैडम। आप बताइए। सिर्फ बाहर के ही लोगों को नहीं, शहर में रहने वाले लोगों को भी हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक घर के काम के लिए इलेक्ट्रिशियन से लेकर एसी मैकेनिक तक की सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। दैट्स व्हाई वी आर हियर। देश को दहलाने वाले आतंकवादियों की एक्टिविटीज पर निगरानी रखने वाली नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो रिसर्च करती है, उससे ज्यादा एक आम इंसान की जरूरतें होती हैं, और उन्हें पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट कंपनी जो रिसर्च करती है वो ज्यादा जरूरी है, यही कह रही है ना? आप पुलिस वाले हैं? मिलिट्री।
लोगों के बारे में इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके रखी है, इसका मिसयूज होने का चांस नहीं है? इम्पॉसिबल, वी आर यूजिंग अ स्ट्रांग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। अगर मैं एक मोबाइल नंबर दूं, तो उस नंबर से सर्विस के लिए फोन हुआ है या नहीं, ये आपके डायल फॉर हेल्प के डेटाबेस से चेक कर सकती हैं। ऑफ कोर्स, एक बार अगर कोई हमें कॉल करता है, किसने कौन सी सर्विस मांगी है, कौन सर्विस के लिए गया, उसका डेट एंड टाइमिंग हमारे डेटाबेस में सेव हो जाता है। परफेक्ट। कुमार सर, जिन घरों में चोरी हुई, ये उन 50 घरों के सदस्यों के मोबाइल नंबर हैं। इनमें से किस किस ने डायल फॉर हेल्प को कॉल किया था बता सकती हैं? 9940125252। आया है सब। तो फिर छुपाया क्यों? कब? February 2। क्या पूछा? सर्विस के लिए किसका नंबर दिया? मारी मुतु। मारी। गायत्री, अगला नंबर बताओ। 9629033887। इसने क्या पूछा? इलेक्ट्रिशियन। सर्विस नंबर? वही नंबर। प्लंबर और इलेक्ट्रिशियन को एक ही नंबर कैसे दिया गया? सर, एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुमार सर, इस एड्रेस पर जो मारी मुत्तु है, उसे उठा। Yes। ये सारे नंबर्स एंटर करो। मिस रितु भाटिया, मुझे तुमसे 4 डिटेल्स चाहिए। नंबर 1, इस मारी मुत्तु का नंबर पूरे चेन्नई शहर में किन घरों को सर्विस के लिए दिया गया, उसकी लिस्ट चाहिए। नंबर 2, तुम्हारे डायल फॉर हेल्प में वर्कर्स डेटाबेस मेंटेन करने वाला चीफ मुझे चाहिए। नंबर 3, तुम्हारे डायल फॉर हेल्प में सॉफ्टवेयर डिजाइन करने वाला डेवलपर, वो भी मुझे चाहिए। नंबर 4, तुम्हारी कंपनी के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मिलना है, मीटिंग अरेंज करवाओ। एक दो घर की बात नहीं है, पूरे 50 घर, करीब करीब 7 करोड़ के गहने और पैसों पर हाथ साफ किया है। अब तुम बताओगी या? माँ जी, इस केस का पहला क्लू आपके पति का मोबाइल नंबर ही है। बताइए माँ जी, आपके पति का नंबर यहाँ कैसे? मेरे पति को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं, अब उनके नंबर के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या बता सकती हूँ? मरे हुए इंसान के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के पूछताछ कर रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? आपके पति ने पहले कभी प्लंबर का या इलेक्ट्रिशियन का किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम किया? नहीं, मेरे पति ने किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम नहीं किया, कॉर्पोरेशन में काम करते थे वो।
आज से 2 साल पहले किसी होटल में सेप्टिक टैंक क्लीन करने गए थे वो। टैंक में उतरने वाला इंसान एक लाश बनकर बाहर आया। जरा एक मिनट, गायत्री, इन्हें जाने दो। ठीक है, आप जाइए। लंबर और इलेक्ट्रिशियन को एक ही नंबर कैसे दिया गया? सो एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पति को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। मेरे पति ने किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम नहीं किया, कॉर्पोरेशन में काम करते थे वो। चंद्रू, चंद्रू, क्या सोच रहे हो? डायल फॉर हेल्प से मिली लिस्ट के हिसाब से करीब 1.5 साल से मारीमुत्तु के नाम से सर्विसेज पाने वाले घरों की गिनती कुछ 413 है। इनमें से बुजुर्ग जहां अकेले रहते हैं वो है 50 घर। केयरफुली चूज करके ये चोरी की गई है। एक बात समझ नहीं आ रही चंद्रू, क्यों एक मामूली इंसान मारीमुत्तु के नाम पर ये पिन किया गया है? मुझे लगता है कि इस केस का और मारीमुत्तु के नाम का जरूर कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और इसमें सबसे जरूरी बात है डायल फॉर हेल्प, कॉर्पोरेट कंपनी, इसे यूज किया गया है। उसने सोचा नहीं होगा कि हम वहां जाएंगे, फिर भी हमारे जाने पर मारीमुत्तु के नाम का डेड एंड क्रिएट करके रखा था। सो व्हाट नेक्स्ट? आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग देयर सिस्टम इज हैक्ड। कॉन्टैक्ट डायल फॉर हेल्प, उनका सॉफ्टवेयर डिजाइनर और डेटाबेस चीफ केंद्र। पीटने से पहले उनसे सवाल मत करना गायत्री, पहले मारना और फिर पूछना। Hey, तू सच में टाइप कर रहा है या मैडम की आवाज सुनकर तेरी उंगलियां कांप रही हैं? मैडम, यहाँ देखिए मैडम, आपने जो एरिया बताया उसमें 20 प्लम्बर्स, 30 इलेक्ट्रिशियंस और 40 एसी मैकेनिक्स की एंट्री ही नहीं हुई है। Hey, इधर आओ ना। इन सब का नाम वर्कर डेटाबेस में डालना ही मेरा काम है मैडम। तेरी तो, अगर ऐसा है तो जिस एरिया का ये डेटाबेस है उसमें इन सब का नाम आना चाहिए ना, सिर्फ मारीमुत्तु का नाम कैसे आया? मैडम आप तैयार हो जाइए। सॉफ्टवेयर डिजाइन वो करता है, उससे पूछे मैडम। वो रहा मैडम वो झिंगूर। चेक कर रहा हूं मैडम, आई टेल यू 1 मिनट। यहां देखिए मैडम, किसी ने हैक किया है मैडम। किसने हैक किया है? पता नहीं मैडम, सोर्स फाइल ऑन हो तभी आईपी एड्रेस का पता चलेगा। सच नहीं बताया तो भोपड़ी उड़ा दूंगी। गायत्री, इन्हें छोड़ दो। इस केस में हमारे लिए मेजर क्लू यही लोग हैं, इन्हें छोड़कर किसे पकड़ेंगे? हेलो मिस्टर कमिश्नर। कौन है रितु? अगस्त 15th, मास रॉबरीज। फाइनली तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन में चेन्नई सिटी में तहलका मचा के डायल फॉर हेल्प तक तुम लोग पहुंच गए। कॉन्ग्रेट्स। मारीमुत्तु के वाइफ और डायल फॉर हेल्प के सॉफ्टवेयर डिजाइनर को इंट्रोगेट करने से मुझे पकड़ लोगे सोच रहे हो? इट्स नॉट अ टर्निंग पॉइंट मिस्टर कमिश्नर, इट्स अ डेड एंड। ये क्या बोल रहा है? Yes, इसके आगे तुम्हारी जाँच एक इंच भी नहीं बढ़ेगी। अभी तक इस केस में तुम्हें जो कुछ भी मिला वो सिर्फ नंबर्स और डेटा है, चाहे जितना करे दो सिर्फ यही पाओगे। यू कांट मेक अ सिंगल अरेस्ट मिस्टर कमिश्नर। क्या मुझे डरा रहा है? नो नो, इट्स एन ओपन चैलेंज। तुम्हारा साइबर सेल 24 घंटे काम करेगा तो भी मेरे डायरेक्शन का पता नहीं लगा पाएगा। नहीं समझे? डन राइट। तुम लोग मेरी लोकेशन नहीं ढूंढ सकते लेकिन मेरी नजर तुम लोगों पर हमेशा रहेगी। Because I am everywhere. हवा में सिर्फ आत्माएं ही नहीं, रेडियो एक्टिव वेव्स भी घूमती हैं। तुम लोग मुझे देख भी नहीं सकते। Welcome to digital world, Mr. Commissioner. इसमें से कमिश्नर को उठा? Yes, sir. कमिश्नर को कैसे उठाएंगे? ये हमारे बस की बात नहीं है सर। कुमार। सर। इस आवाज में 4 बार मिस्टर कमिश्नर इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए उठाने को। इन चारों शब्दों का पेस, वॉल्यूम, पिच और टिम्बर, इनके लेंथ और डेप्थ पॉइंट्स को प्लॉट करो। यस सर। सर, सब इक्वल है सर। कैसे चंद्रू, कोई इंसान 4 बार एक ही शब्द का लेंथ और डेप्थ एक समान रखकर बात कर सकता है? करेक्ट, इंसान से नहीं हो सकता, कंप्यूटर से हो सकता है। कंप्यूटर से हो सकता है?
प्री रिकॉर्डर से? जरा एक मिनट। कुमार सर, कमिश्नर के बारे में तुम क्या सोचते हो? वो तो छुछुंदर है, उसके बारे में क्या कहूं? अरे कुछ भी बोलो ना। आप कहोगे तो मैं उसकी इज्जत उतार दूंगा। ऐसे ही बोलते रहो। सर, कमिश्नर का थोपड़ा देखा, चमगादड़ जैसी शक्ल है और ऊपर से चश्मा लगा रखा है। अरे मेरे हाथ में कोई छड़ी हो तो उस छुछुंदर का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों का तीनों बिगाड़ दूं। सर बोलने दीजिए, फ्लो में निकल रहा है। अब तुम ओवरफ्लो हो रहे हो। सर, आपको एक ऑडियो क्लिप सुना था, सुनिए। अगर वो छुछुंदर मुझे कहीं दिखाई देगा तो उसे वही दबोच लूंगा। सर लेकिन ये क्या? ना ये कंप्यूटर वॉइस है, ना ही प्री रिकॉर्डेड वॉइस है, वॉइस सिंथेसाइजर। वेलकम टू डिजिटल वर्ल्ड मिस्टर कंप्यूटर। हम जो भी टाइप करेंगे ये वही बोलेगा। आतंकवादी यही तकनीक इस्तेमाल करते हैं। भले ही आपका सीसीटीवी हैक हो जाए पर कोई अंदर जाकर वायरलेस एडाप्टर इंस्टॉल करे तो ही हो सकता है। लेकिन कमिश्नर ऑफिस में जैसे सर, कमिश्नर एसी मैकेनिक से इंटरनेट तक के लिए वही फोन करते हैं। अब जाओ ना। डायल फॉर हेल्प। पहले इस एडाप्टर को डिस्कनेक्ट करके नेटवर्क को क्लोज करो। ओके सर। फिक्र मत कीजिए सर। अगस्त 15th, रॉबरी केस ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है। क्या अपराधी का पता लग गया है? क्या अपराधी का पता लग गया है? कब पकड़ने वाले हो? क्या उसे पकड़ पाएंगे? तुम जो इस तरह के सवाल पूछ रहे हो इनका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता। लेकिन एक बात जान लीजिए, वो भले ही पाताल में भी क्यों ना हो, ना तो वो हमसे बच के जा सकता है, ना ही अंडरग्राउंड हो सकता है। थैंक यू चंद्रु। मेरी को समझ में नहीं आ रहा है सर, उनके प्लान का बेस डायल फॉर हेल्प ही है। वो आपको फोन करके आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ऐसी हमें चेतावनी दे रहा है। लेकिन इस बार हमने सीधा उसके ईगो पर चोट की है, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर आपको फोन करेगा। बात कीजिए सर, चाहे जितने भी आईपी एड्रेस के पीछे छुपा हो हम पकड़ लेंगे। हेलो मिस्टर कमिश्नर। यस सर। बच नहीं सकता, ना ही अंडरग्राउंड हो सकता है। तुम्हारी इन बातों का दम तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिखा, तभी मैं समझ गया कि तू मेरे लिए जाल बिछा रहा है। इस वक्त मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, तेरे पीछे छुप कर जो मुझे सुन रहा है उस आईटी वाले दिमाग से बात कर रहा हूँ। हेलो मिस्टर मास्टरमाइंड, सुन रहे हो? और 30 सेकंड से ज्यादा पार कर गई है, क्यों तुम्हारे आईटी एनालिस्ट ने बताया नहीं? 30 सेकंड तो क्या, 30 घंटे भी क्यों ना लग जाए, तुम मेरी परछाई का भी पता नहीं लगा सकते। मेरी लोकेशन जान जाओगे तो क्या मुझे पकड़ लोगे? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज, 00100, ये कोड फीड करो। सर लोकेशन ऑन स्क्रीन सर। यही है मेरी लोकेशन। मल्लावरम के पास एक फैक्ट्री है। Welcome to my den. Better luck next time. We'll be right back.
केस में हमारा मेजर ब्रेक थ्रू है। मारीमुत्तु के नाम से इस्तेमाल किया गया ये मोबाइल नंबर पूरे चेन्नई शहर में डायल फॉर हेल्प के जरिए इस नंबर से सर्विस किए गए घरों की संख्या है 413। इन 413 घरों में बूढ़े जो आराम से जीते हैं उनकी संख्या है 108। इन 108 में से 50 घरों में चोरी हुई है, तो बाकी के 58 घरों में भी चोरी करने जरूर आएंगे। ओके, सो इमीडिएटली बाकी घरों को अपने सर्विलेंस में लाना होगा, राइट? गायत्री, अब जल्दबाजी नहीं, जल्दी और जोश में आकर जो गलती करता है ना उसे दौड़कर पकड़ सकते हैं, लेकिन जो ना फंसने के लिए होशियारी से गलती करता है वो हमें दिखाई भी नहीं देगा। पुलिस डॉग के सूंघने से ज्यादा सेंस उसमें होती है। अगर हम निगरानी रखेंगे तो वो पूरी तरह से सतर्क हो जाएगा। इसमें एक और बात है जिस पर खास ध्यान देना है। मारीमुत्तु के नाम पे ये जो नंबर है वो एक्टिवेट हुआ था पिछले साल जनवरी 10 को। रीएक्टिवेट होने का दिन इस साल के अगस्त की 10 तारीख। इसका मतलब एक्टिवेट होने से लेकर इन 19 महीनों के बीच डायल फॉर हेल्प के कस्टमर्स को अटेंड करने के लिए इस नंबर का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा ये नंबर कहीं और इस्तेमाल नहीं हुआ। क्यों? एक छोटा सा SMS, यहां तक कि व्हाट्सएप भी नहीं गया, कभी नहीं। अगस्त 15 इंडिपेंडेंस डे, पूरा चेन्नई शहर जिस दिन सबसे ज्यादा सर्विलेंस पर रहता है, जब पूरे शहर की पुलिस अलग अलग जगहों पर तैनात रहती है, उस दिन शहर के कई सारे मोहल्लों में जो पुलिस पेट्रोलिंग की जाती है वो 95% तक कम हो जाती है। Am I right, sir? You are right. और इसीलिए उन्होंने उसी दिन को टारगेट किया। कमिश्नर को जब दोबारा कॉल आया, जब हम अक्यूज को ट्रेस कर रहे थे, उसी ने हमें एक कोड दिया और खुद की लोकेशन बता दी। उसका दिया पासकोड था 00100। जब हम उस जगह पहुंचे तो वहां की एक दीवार पर यही नंबर लिखा हुआ था, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। सारे जीरोस छोटे थे लेकिन बीच का वन बड़े साइज का था। जब मैंने इसे सिर्फ एक नंबर की तरह देखा तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन जब इसे एक सिंबल मान लिया तो मुझे एक क्लू मिला। कैसा क्लू? वो कोई नंबर या पासकोड नहीं है, चेस की रानी का क्राउन सिंबल है। अक्सर लोग चेस में राजा को हाईलाइट करते हैं, लेकिन यहाँ रानी को हाईलाइट किया है, तो शायद हमारे ये मुजरिम लड़की भी हो सकती है। चेस में रानी पावरफुल होती है चंद्रो, तो यही सोचकर हाईलाइट किया होगा ना? You're right, गायत्री, लेकिन उसके लड़की होने की सिर्फ यही वजह नहीं है। हमारा दूसरा क्लू है फिंगरप्रिंट्स। जब अपनी लोकेशन बताकर उसने हमें बुलाया तो वहां कुछ नहीं मिलेगा मैं जानता था, लेकिन पता है मैं फिर भी वहां तेजी से क्यों गया? क्योंकि चोर कितना भी चालाक क्यों ना कोई क्लू पीछे जरूर छोड़ता है। सफाई से सारा डेटा क्रैश करने वाले ने ब्लास्ट के बाद फिंगरप्रिंट भी मिट जाएंगे ऐसा सोचा, लेकिन फिंगरप्रिंट इरेज नहीं हुए। हमें पार्शियल फिंगरप्रिंट्स मिले। बायोकेमिकल एनालिसिस से पता चला कि उसमें अमीनो एसिड का लेवल ज्यादा है। अमीनो एसिड ज्यादा हो तो? औरतों की उंगलियों में ही अमीनो एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। हमने जिनसे पूछताछ की उन्होंने यही बताया कि दो लड़कों ने मास्क पहनकर चोरियां की है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि औरत है? चोरी दो लड़कों ने ही की है, लेकिन उनके पीछे का मास्टरमाइंड एक लड़की है। हम उसे ट्रेस कर रहे हैं, फिर भी इतनी हिम्मत से जिसने अपना लोकेशन दिखाया उसने अपनी आवाज क्यों बदली? इन सारे डिटेल्स की वजह से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वो क्रिमिनल एक औरत है। इतने दिनों से जो हमें धूल चटा रही थी वो एक साधारण औरत है? सर, मैंने सिर्फ औरत कहा, साधारण औरत नहीं। आने वाली 23 तारीख को सरकारी समारोह के लिए प्रधानमंत्री चेन्नई आ रहे हैं, तो अगस्त 15 से भी ज्यादा डबल सिक्योरिटी अरेंज करने के लिए CM ने ऑर्डर पास किया है। और इसीलिए ठीक उसी दिन उन्होंने पक्का टारगेट प्लान किया होगा। पिंजरे में फंसने वाले चूहों की तरह वो हमारी जाल में फंस जाएंगे। इट्स माई ट्रैप।
मी। मैं आपको कभी हरा नहीं पाती हूँ मिस। तुम मुझे हराने की कोशिश कर रही हो इसलिए तुम मुझसे जीत नहीं पा रही हो। ऑफ कोर्स लीला, आई मस्ट एडमिट, इस एकेडमी में इतने सारे कोचेस होने के बावजूद इसे क्यों तुम्हारे पास भेजा पता है? बिकॉज़ यू आर द बेस्ट। टाइम्स नाउ में आपका इंटरव्यू पढ़ा, आपका लास्ट ऑपरेशन फेल क्यों हो गया? कश्मीर में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बम डिजाइन था, आखिर के 120 सेकंड में मैं डिफ्यूज करने के लिए गया, दो पुलिस ऑफिसर्स उस ब्लास्ट में मारे गए, बस इसी बात का दुख है। घबरा गए थे गणेश? 74 साल की उम्र में दो दो हार्ट अटैक झेलकर मेरी माँ मेरे लिए अभी भी जिंदा है, इतना प्यार करती है, और बिन माँ की ये बच्ची ही उस वक्त मेरे दिमाग में छाई हुई थी लीला। ऐसे में घबराहट, हार्ट सर्जरी करने वाले सर्जन को और तुम जैसे बॉम्ब स्क्वाड वाले को कभी घबराहट नहीं होनी चाहिए। माँ से बहुत प्यार करते हो ना? वो तो मेरी जान है। हाँ मेरी भी। फैसला करती है ये रानी। रानी की दया के बिना कोई राजा जीत नहीं सकता। रानी का विरोध करने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। इसने अगर जीतने का फैसला कर लिया तो किसी भी हद तक जाएगी। खाना जेब में क्या है? ए,
ये क्या है? सिगरेट, बीड़ी? और तुमने अपनी जेब में क्या रखा है? अरे तुम भी पीने लग गया? अरे तुम दोनों ये सिगरेट बीड़ी पी रहे हो, कल शराब भी पीने लग जाओगे। माँ तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गई? माँ मुझे बहुत याद आ रही हो, तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी? माँ जाओ उस लीला को ले जाकर अनाथ आश्रम में छोड़ दो, नहीं तो मैं खुद इसे जान से मार दूंगी। उसको देखते ही चिढ़ होने लगती है। ए, अभी अभी तो उसकी माँ को मारा, इतने में ही। अब तुमसे भरोसा करके कोई फायदा नहीं, उसकी कहानी कैसे खत्म करनी मैं देख लूंगी। मारा वैसे मार दूंगी। तेरी बात कभी ठुकराई है क्या? फिर भी तू है कि से वो भी 15 अगस्त के दिन 50 घरों में जेवर पैसे मिलाकर 7 करोड़ का डाका डालकर अभी भी पुलिस में पकड़ाए बिना हम लोग मस्ती से घूम रहे हैं ना? तेरा जवाब नहीं। अब समझ में आया दीदी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, एसी मैकेनिक, ये सब सीखने के लिए हमें क्यों मजबूर किया? वो भी बिना किसी संबंध के मरे हुए मारी मुत्तू का नंबर डाल के पुलिस की आंखों में धूल झोंके। वाह दीदी, क्या प्लान बनाया? दीदी का जवाब नहीं। लेकिन एक बात हम दोनों को समझ में नहीं आई। क्या? तूने ही पुलिस वाले को फोन किया और अपनी जगह भी दिखाई और सारा चकना चूर कर दिया। क्यों दीदी, कितने मुश्किल से सब रेडी किया था। अभी तक पुलिस से पकड़े नहीं गए हो इसलिए खुश हो रहे हो ना? इसलिए क्योंकि एक भी सबूत नहीं मिला, अब उस जगह की जरूरत नहीं थी इसीलिए। कैसे दीदी, बिना कॉलेज गए तुम कंप्यूटर को अपनी उंगलियों पे नचा रही हो? I got nightmares in my head, I fear that the thought... जुनून हो तो कोई भी कुछ भी सीख सकता है। मैं सीख कर ये लीगली करती तो इसे एथिकल हैकिंग कहते हैं।
बिना एथिक्स के शहर में हैकिंग ही काफी है। इलीगल इज द न्यू नॉर्मल। पर ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। कुछ भी हो दीदी, कंप्यूटर को तुम बढ़िया ना जा लेती हो। मेरी बात ध्यान से सुनना। बोलो दीदी। पिछली बार के प्लान के जैसे ही बाकी के 58 घरों में भी बड़ी चालाकी से काम करना है और ये शहर छोड़कर जाना है, समझ गए ना? ये लो, आज कौन सा दिन है याद है? क्यों, उन लोगों को पकड़ने का दिन है। 3 साल पहले जब तुमने मुझे पहली बार देखा था वो दिन है। सीएम आ रहे थे कड़कती धूप में, जब बीच सड़क पर ड्यूटी कर रही थी और अचानक बेहोश हो गई। जहां सारे लोग तमाशा देख रहे थे वहीं तुम मुझे उठाकर हॉस्पिटल के लिए भागे थे। ये दिन भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? लेकिन वो तो भूल गया ना, हॉस्पिटल में तुझे भर्ती करा के तेरे होश में आने से पहले ही गायब हो गया। भला हो इस मैगजीन के फोटोग्राफर का जो इसकी फोटो उसने कवर पेज पर छापी तब इसके बारे में पता चल पाया, नहीं तो मैं किसी अमीर लड़के से तुम इसकी शादी करा देते, यही ना? चंद्रू मेरी बात सुनो ना प्लीज। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। खैर वो छोड़ो, सुना है किसी ने तुम्हारा मेडल चुरा लिया है जो अभी तक नहीं मिला। अरे 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 क्या कह गया, उस दिन मेडल की बात करते इसने चाटा जड़ दिया था, आज तो मैंने चुराने की बात कर दी है, पता नहीं क्या करेगा। मुझे माफ कर दीजिए। जुबान फिसल गई क्या? I'm sorry. मारा था उसके लिए या जो मारने वाले उसके लिए? जो भी हो आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। गायत्री प्लान के मुताबिक सब रेडी है। उन बाकी के 58 घरों में टाइट सिक्योरिटी है, घरों के बाहर नहीं घरों के अंदर। पीएम को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जा रहा हूँ। आई होप एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। यस सर। गायत्री ध्यान से सुनो। सर। अगर इस बार फिर से कोई गड़बड़ हुई तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को सर झुकाना पड़ जाएगा। इफ एनीथिंग कीप मी पोस्टेड। ओके ओके सर। हमारे सर्वेलेंस के 58 सीसीटीवी कैमरे क्रैश कर दिए सर। अब हमने जो घरों के अंदर हिडन कैमरास लगाए हैं उनका फुटेज स्क्रीन पर ला। सर। चित्रा, लास्ट टाइम जहाँ रॉबरी हुई थी उसका जोन मैप दिखाना। ओके इट्स ऑन स्क्रीन सर। कंट्रोल रूम में फर्स्ट फोन कॉल कौन सा था? नंबर 15 सेकंड स्ट्रीट अड़िया। नेक्स्ट लोकेशन? नंबर 2 इंदिरा नगर अड़िया सर। जिस ऑर्डर में चोरों ने चोरी की उस ऑर्डर को पिन करके दिखा। sure, sir. अब जो घर निगरानी में है उन 58 घरों का जोन मैप दिखाओ। ओके सर। ऑन स्क्रीन सर। अन्ना नगर टू वल्सर वाकम, लेफ्ट कॉर्नर में जो वल्सर वाकम का एड्रेस है उसे जूम करो। सर नंबर 23 चौधरी नगर वल्सर वाकम सर। क्या नंबर है? नंबर 23। अगस्त 15 इंडिपेंडेंस डे, पूरा चेन्नई शहर जिस दिन सबसे ज्यादा सर्विलेंस पर रहता है और इसीलिए उन्होंने उसी दिन को टारगेट किया, वहीं पर पहली चोरी होने वाली है। कैसे चंद्रू, उसी घर में पहली चोरी होगी कैसे कह सकते हो? पिछली चोरी कौन से दिन हुई थी? अगस्त 15। और कौन से घर से चोरी की शुरुआत हुई? 15। आज की डेट है
23 पहला घर कौन सा है? नंबर 23 चौधरी नगर वलसरवा का। चल अडियार टू सीआईटी कॉलोनी, वो भी ऊपर से नीचे। इस बार रिवर्स पैटर्न, वलसर वाकम टू अन्ना नगर, यानी नीचे से ऊपर। शनमुगम। यस मैम। संभल के रहना, सस्पेक्ट कभी भी अटैक कर सकता है। ओके मैम। कीप मी पोस्टेड। खिरा जी आज नहीं आई। पता नहीं क्यों, सुबह पुलिस वाले आए थे, इंक्वायरी के लिए लेकर गए हैं। डायल फॉर हेल्प में इंक्वायरी के लिए कोकिला को एक बार लेकर गए थे, ओके। लेकिन आज फिर किस लिए ले गए? ओह माय गॉड। चौधरी नगर सेकंड स्ट्रीट, हिडन कैमरा का फुटेज दिखा। ऑन स्क्रीन। ये जरा गाड़ी रोको। हाँ बोलो दीदी। ए बालू, प्लान कैंसिल, अबॉर्ट। क्यों, अभी तो एक घर में भी नहीं घुसे। पागल, हाथ में जो भी है गन, फेस मास्क, किसी कचरे के डब्बे में डालो और जो बाइक चलाई है उसे कहीं कोने में खड़ी करके पहले वहाँ से निकलो, इमीडिएटली नाउ। क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रही हो? यहाँ तो दूर दूर तक पुलिस वाला नहीं है। पुलिस घर के बाहर नहीं है, घर के अंदर है। अभी की अभी वहाँ से निकलो जल्दी। अरे क्या हुआ? ए प्लान कैंसिल, गाड़ी घुमा। हो गई है इसलिए ऐसे ले जा रहे हैं। के साले की बाइक चुरा के मुझे कहानी सुना रहा है। चल बैठ नीचे, बैठ नीचे। बाइक चोरी में पकड़ रहा है, जरा संभाल के। मैं जानता हूँ तू चुपचाप है। वलसर वाकम पुलिस कंट्रोल। मैडम। यस। डायल फॉर हेल्प के बोर्ड मेंबर्स आए मैडम। वेट करने के लिए कहा। सर और इंतजार नहीं कर सकते, बोलकर चिल्ला रहे हैं। ये क्या है सर, यहाँ बिठाकर हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं? हम लोग बिजनेसमैन हैं, हमारा हर एक सेकंड कीमती होता है। मेरी नजर में तुम सब के सब क्रिमिनल्स हो, तुम और तुम्हारी कंपनी इस चोरी की असली वजह है। क्या इस चोरी के लिए कोई जवाब है? What is this nonsense? हमारी कंपनी का नाम इन्वॉल्व हुआ इसलिए कर्टेसी के लिए आए, और आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं? आजकल डेटा लीक होना मामूली बात है। सोशल नेटवर्क साइट से लेकर फूड डिलीवरी ऐप तक हर जगह यूजर्स का डेटा लीक हो रहा है। करेक्ट, मैट्रिमोनियल साइट में सारी जानकारी खुद ही रजिस्टर करते हो। इतना ही नहीं, शादी के मंगल सूत्र से लेकर न्यू बॉर्न बेबी के झूले तक, और अगर कोई मर जाए तो उसकी अर्थी का सामान भी ऑनलाइन बुक करते हो। इससे ज्यादा डेटा क्या हमने लीक किया है? जिस दिन से लोग टच स्क्रीन फोन खरीद के डिजिटल वर्ल्ड में आए हैं, तभी से सिर में लगाने वाले शैम्पू से लेकर पैरों की चप्पल तक, इतना ही नहीं, उसे पसंद हो या ना पसंद, कंप्लीट डेटा लीक होगा ही। इसीलिए आज कॉर्पोरेट डिजिटल वर्ल्ड का ये दस्तूर बन गया है। सर, पिछले हफ्ते तिरुपति जाने के लिए जो ऑनलाइन से टिकट बुक करवाते ही 5 मिनट में 75 मैसेजेस भेजे, उन सब का कारण ये कॉर्पोरेट वाले चोर उचक्के ही है ना सर, लुटेरे कहीं के। यानी जो चोरी हुई उसमें तुम्हारी कंपनी का भी हाथ है, ये तुम खुद मान रहे हो। सही कहा। सबसे पहले ये जो डायल फॉर हेल्प नाम है ना, ये बदलो। लोग
लोगों का सेंसिटिव डेटा मेंटेन करने वाले, तुम लोगों को उसे सिक्योर करने का सेंस नहीं है? 50 घर अपनी जिंदगी भर की कमाई खो बैठे और तुम लोगों को यह मामूली बात लग रही है? इतना सब बोलने वाले तुम लोग हमारी पर्सनल डिटेल के मिसयूज के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है, ऐसा डिस्क्लेमर डाल सकते हो? हिम्मत है सर? बिजनेस कैसे चलाना है ये आपको हमें समझाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हम अपना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक हम सारे नॉर्म्स फॉलो करते आ रहे हैं। ओह, ये बात है कुमार। सर, ये तुम्हारी कंपनी की लास्ट फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिपोर्ट है, जिसमें सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए बहुत बड़ा अमाउंट दिखाया गया है। आपके डेटा सर्वर का फायरवॉल जो कि सिक्योरिटी देता है 2015 से अपग्रेड नहीं हुआ है, इसके लिए क्या जवाब है? सर, ऐसा है तो इन सबको ले जाकर जेल में ठूस दें। कानून छोटी मोटी रोटी चुराने वालों के लिए कुमार, ऐसे करोड़ों की चोरी करने वालों के लिए नहीं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अगर ये मैं बाहर मीडिया को दिखा दूं तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें बोलकर कोई फायदा नहीं। जिस दिन से लोग ऑनलाइन पर भरोसा करने लगे हैं तभी से तुम लोग उन्हें लूटने लगे हो। इस केस से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए तुम्हारा फुल कोऑपरेशन चाहिए। गॉट इट? नाउ गेट लॉस्ट। सर, एनीथिंग सस्पिशियस? नथिंग। वो मारीमुत्तु की पत्नी हमारी निगरानी में ही है ना? मारीमुत्तु की पत्नी ही नहीं, इस केस में जिस जिस से पूछताछ की है उन सबको निगरानी में रखा है। Something's fishy. घर में हमने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की, माँ का आज 75th बर्थडे है, आपको आना होगा। गणेश, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में फोन करती हूँ। Something is wrong. क्यों? अभी तो एक घर में भी नहीं घुसे। कहीं पुलिस के हाथ तो नहीं लग गए? क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रही हो? यहाँ तो दूर दूर तक पुलिस वाला नहीं है। नहीं, बाइक की चोरी में तो नहीं फंस गए? आज वो लोग मारी मुत्तु की पत्नी को फिर से इंक्वायरी के लिए लेकर गए हैं, मतलब Someone is watching me. चंद्रू, दादी को होश आ गया। वो मेरे पिता की निशानी है, छोड़ूंगा नहीं, बस
बस 48 घंटे रुक जाता थे। मेरी बाइक नहीं दिख रही सर, अभी अभी यहाँ खड़ी की थी, 5 मिनट भी नहीं हुए। hey, तो यहाँ क्यों चला रहा? जाके थाने में रिपोर्ट लिखा, वहाँ जाने पर देर हो जाएगी। क्या सर? हुआ, क्या बात है ना मैडम, इसकी बाइक चोरी हो गई। मैडम मैं अभी अभी आया मैडम, 5 मिनट भी नहीं हुए, ढूंढ के दीजिए ना प्लीज मैडम प्लीज। ये कह रहे हैं ना, थाने जाओ और रिपोर्ट लिखवा लो प्लीज मैडम, बहुत मुश्किल से। बाइक का कलर क्या है, उसका नंबर क्या है? FZYTN19AL3121 सर, प्लीज सर प्लीज सर, कुछ भी करके ढूंढ के दिला दीजिए ना सर। इस हॉस्पिटल के वार्ड बॉय और ऑटो स्टैंड से किसी ड्राइवर को सीसीटीवी रूम में बुला लो। अरुण, मैं शनमुगम बोल रहा हूँ, ब्लॉक नंबर 2 से एक वार्ड बॉय और ऑटो स्टैंड से एक ड्राइवर को फौरन सीसीटीवी रूम में भेजो। यहाँ से जो आखिरी एम्बुलेंस गई उसके वार्ड बॉय को फोन लगा। किस लिए सर? फोन लगाना। ओके सर। यहाँ से जो आखिरी सवारी ले गया उस ऑटो ड्राइवर को फोन कर। हाँ बोल, क्या हुआ? गुना, पुलिस तुमसे कुछ बात करना चाहती है। क्या है? हाँ हाँ सर, गुना लाइन पे। गुना सर, ध्यान से सुन। बोलिए सर। तेरी एम्बुलेंस की आगे या पीछे वाइट यामा TN19AL3121 कहीं दिखाई दे रही? क्विक। नहीं सर, वैसी कोई गाड़ी नहीं है। मनी, एक मिनट लाइन पे रहना सर। मनी, बोलिए सर। नहीं कुछ नहीं, तुम्हारी ऑटो के आगे या पीछे वाइट यामा TN19AL3121 कहीं दिखाई दे रही है क्या? मैं देखता हूँ सर। जल्दी देखो। आप जो गाड़ी बता रहे हैं वैसी कोई गाड़ी नहीं है। ठीक से देखो। ठीक से देखा सर, कोई गाड़ी नहीं है। सर एक मिनट। गाड़ी बताई, वो मेरे साथ ही खड़ी है। उस गाड़ी से तुम्हारी नजर नहीं हटनी चाहिए। ठीक है सर। तुम दोनों जा सकते हो। ओके सर। 10 मिनट के अंदर वो दोनों मुझे यहाँ चाहिए गायत्री। सर यही मेरी बाइक है। चलो उतरो, चलो दोनों उतरो, चलो चलो चल चल। सच कह रहा हूँ सर, यही मेरी बाइक है। ये लो तुम्हारी चाबी। थैंक यू सर। बाइक चुराओगे? वो एक एक पाई जमा करके बाइक खरीदते और तुम उसे आसानी से चुराओगे? चुराओ ना। चंद्रू स्टॉप, उन लोगों का गुस्सा तुम इन पर क्यों निकाल रहे हो? साहब ने कितने चोरों को ब्लॉक किया है पता है? आज कितनी औरतों के गले की चेन बच गई उसका कारण साहब ही है। क्या कहा? हाँ सर, ये लोग चेन खींचने के लिए, खून करने के लिए ऐसे ही चोरी की बाइक का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए तो कहा कि इन्हें पकड़कर कितनी औरतों की सोने की चेन बचा ली। मारिए सर। हाँ सर, जिन घरों में चोरी हुई वहाँ दोनों लड़के बाइक पे ही आए थे, और ऐसे चोर चोरी करने के लिए चोरी की ही बाइक इस्तेमाल करते हैं। बाइक रॉबरी। गायत्री, पूरे चेन्नई शहर में सुबह से लेकर अब तक जो बाइक रॉबरी में अरेस्ट हुए उन्हें लेकर आओ। की संख्या बढ़ गई है। तुम दोनों जरा यहां आना। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? दोनों
दोनों बाहर निकलकर इधर आओ। नाम क्या है? बालू सर। और तेरा नाम क्या है? यही पूछेंगे ना सर। तेरा नाम क्या है? बाबू सर। गायत्री, जरा इन दोनों की केस हिस्ट्री निकालना। एटीएम की चोरी करके जेल में बंद थे। बस दो दिन पहले ही दोनों जेल से रिहा हुए हैं और निकलते ही चेन स्नैचिंग करने के लिए बाइक चोरी की है, ऐसा इनका स्टेटमेंट है। एटीएम रॉबरी। जा। आउट। ए, तू इधर आ। पति को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। दो ही लोग। उसके लिए डायल फॉर हेल्प नाम की डेटा सर्विस है ना? कमिश्नर एसी मैकेनिक से इंटरनेट तक के लिए वही फोन करते हैं। अब जाओ ना। प्लम्बर को फोन किया, वो आ ही नहीं रहा मैडम। बाथरूम के नल में पानी नहीं आ रहा मैडम। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, हम इन्हें कैसे भूल गए? सब में कोई प्लम्बर है क्या? नल खराब हो गया, कोई ठीक करेगा तो बिना केस के रिहा कर दूंगा। दोनों की जन कुंडली मुझे 10 मिनट में चाहिए। ओके सर। चंद्रू, हम तो किसी औरत को ढूंढ रहे हैं ना, ये दोनों तो कोई जंगली लग रहे हैं। छोटी मोटी एटीएम की चोरी में पकड़े गए हैं और तुम्हें लेकर एटीएम। एटीएम के अंदर मत जाओ भैया, पहले ही 15 अगस्त के दिन इसी एटीएम की चोरी हुई है। एग्जैक्टली, ये दोनों के दोनों एटीएम की चोरी में पकड़े गए थे। वो चोरी 15 अगस्त को हुई थी क्या, जरा चेक करना। ओके। हेलो इंस्पेक्टर, बालू और बाबू की एटीएम चोरी का एग्जैक्ट डेट और टाइम चेक करके बताओ जल्दी। ओके सर, इनके बारे में पता चला है कि बचपन में इन्होंने छोटे मोटे क्राइम्स किए हैं। इनके माँ बाप नहीं है, बस एक दीदी है, वो भी सगी नहीं है, सौतेली दीदी है, नाम है लीला। लीला ये करती क्या है? चैंपियन चेस अकेडमी में चेस की कोच है। किसकी कोच है? चेस की कोच। वो कोई नंबर या पासकोड नहीं, चेस की रानी का क्राउन सिंबल है। चंद्रू, वहीं पे मारीमुत्तु की वाइफ भी काम करती है। हेलो मैडम, बालू बाबू जिस दिन एटीएम की चोरी में पकड़े गए वो 15 अगस्त था। टाइम इवनिंग 5:47, स्पॉट रॉयल बैंक एटीएम, सीआईटी कॉलोनी मैडम। ओके चंद्रू, यू आर 100% राइट, ये एटीएम की चोरी और रॉबरी हुई उसी अगस्त 15 की इवनिंग में। ब्रिलियंट चंद्रू, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? ऐसी धुलाई करूंगी कि सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। गायत्री जल्दबाजी मत करो। यही दोनों अक्यूज्ड हैं, ये जाने के बाद भी मैं बस देखती रहूं? मेरी बात सुनो,
ये दोनों ही अक्यूज्ड हैं। ये कोर्ट में साबित करने के लिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। उसका इंतजाम मैं करूंगी ना चंद्रू। ए, केस टिकेगा नहीं। ये लोग अपनी चालाकी से बड़े आराम से छूट जाएंगे। ये बचने नहीं चाहिए। चंद्रू, तुम इस केस में इमोशनली अफेक्ट हुए हो सिर्फ इसी वजह से मैं चुप थी और इतनी दूर तक अलाउ किया। इसके आगे मैं संभालूंगी। पागलों जैसी बातें मत करो गायत्री। ये थर्ड रेट क्रिमिनल्स नहीं है। प्लान करके स्टेप बाय स्टेप सारे लूपहोल्स बंद कर चुके हैं। ये तो इनकी बदकिस्मती है जो हमारे हाथ पे चढ़ गए। सांप को सिर पे वार करके मारते हैं, पूंछ पर नहीं। ये दोनों सिर्फ पूंछ हैं। सर तो सर ठीला की फोटो। गायत्री जैसा कहता हूं करो। थैंक यू। हेलो, कौन हो तुम? तुम्हारा ओपोनेंट। व्हाट? दुश्मन। गेम में। गेम में। गेट आउट। हार जाने का डर है। फट से बाहर जाने के लिए बोल रही हो? बस ऐसे ही ट्राई करके तो देख लो। गुड जोक। गंदा खेल रहे हो। क्यों, मुझे हराने वाले थे ना? ए, अगर मैं चाहती ना तो दो ही स्टेप में तुम्हारा खेल खत्म कर देती। माइंड इट। इतनी देर तुम्हें क्यों खेलने दिया पता है? एक एक मोहरे को जब मैं उठाकर डाल रही थी तो तुम मेरे साथ खेलने के लायक ही नहीं हो ये प्रूव कर रही थी और तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रही थी। अब इससे ज्यादा तुम्हें हराऊंगी तो मेरी इंसल्ट होगी। गेट आउट। लीला, रानी मारने से गेम खत्म नहीं होगा, राजा को मात देकर ही होगा। पिताजी ने मुझे एक बात सिखाई थी, दुश्मन अगर तुमसे ज्यादा चालाक हो तो जितना हो सके खुद को बेवकूफ बता, क्योंकि तभी वो बेवकूफ के लायक अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा और जिस पल वो बहका तब एक ही वार।
हो कौन? भगवान। What? समझी नहीं? तू अपनी पूरी जिंदगी बाहर खुशी से बिताएगी या सलाखों के पीछे सूखी रोटी खाएगी, इस बात का फैसला करने वाला भगवान हूं मैं। Hey, it's just a joke. हिचकी रुक गई ना? देखिए मैंने उसे उकसा दिया है, सब अपने आप बकेंगे, वेट करते हैं। मिस्टर भगवान, ऑफ द रिकॉर्ड बात करें। इसकी तो जब वो दोनों पागल नहीं लौटे तो मुझे लगा था समथिंग इज रॉन्ग, पर मेरे सामने कौन टिक पाएगा ये सोचकर थोड़ा रिलैक्स हो गई थी। पर तुम्हारे जैसा कोई आएगा ये नहीं सोचा था। क्या कहा उन दोनों ने? 50 घरों में जो चोरियां हुई हैं उसकी मास्टरमाइंड मैं हूं, ऐसा कहा? यकीन नहीं, इम्पॉसिबल। मेरे पैटर्न का पता लगा लिया है, लेकिन मेरे खिलाफ तुम्हारे पास एक भी एविडेंस नहीं है। सही कहा ना? मैंने छोड़ा होगा तब ना। यह है मेरा चेस अकेडमी का आईडी कार्ड। हारने वाली बाजी मैं कभी खेलती नहीं। एक बार तुम्हारे बारे में कुछ भी जाने बिना मैं रिलैक्स हो गई थी और तुम जीत गए, लेकिन अगली बार मैं ही जीतूंगी। यह घमंड देखने के लिए मैं खुद आया था। You're right. मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन मेरी एक आदत है, छुपके खेलने से अच्छा है कि सीधा आमने सामने खड़े होकर खेल खेलो। अब तेरे हर एक कदम पर वार करने के लिए मैं खड़ा हूं। मैं जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। हार जीत मेरे लिए एक ही है, लेकिन किसी मुकाबले में मैं पीछे नहीं हटता। लीला, अपने दिमाग को अगर तूने सही इस्तेमाल किया होता तो शायद कोई साइंटिस्ट बन जाती। बट नाउ इट्स टू लेट, यू आर गोइंग टू बी बिहाइंड बार्स। हे, तुम हो कौन? कहां से आए हो? हाँ? ओके। तुम इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो तो तुम्हारे लिए एक छोटा सा चैलेंज। तुम्हारी कस्टडी में उन दोनों की जुबान से हो सके तो ली ला ये दो शब्द निकलवा के दिखाओ। और फिर क्या कहा था? साइंटिस्ट बन सकती थी। समय बदल गया है, पैसों के बिना आज साइंस भी नहीं पढ़ सकते। अगर तुम वाकई में मर्द हो तो उनके मुंह से मेरा नाम बुलवा के दिखाओ। अब चलूं? Be ready to face me. ना मांगेंगे कितना को बोल देंगे? गायत्री स्टॉप। Don't try to stop me now. मैडम रुके, मैडम। गायत्री, हेलो, हेलो। ऐसे मारेंगे तो ये मर जाएंगे। ए, सुनो, चंद्रू साहब को फोन लगाओ। अरे फोन मुझे दो। अब मैडम मत मारिए। वो फोन नहीं उठा रहे। मैडम नहीं नहीं, मुझे मत मारना मैडम, आपको छोड़ दो मैडम, पीछे बहुत दर्द हो रहा है मैडम। मैडम आपसे एटीएम में चोरी नहीं करूंगा मैडम, नहीं करूंगा। एटीएम की चोरी, बाइक की चोरी, बोल बोल के ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर।
50 घरों की चोरी से लेकर डायल फॉर हेल्प तक की गड़बड़ी तक इन सब का पता लगा लिया है हमने, और उसे भी पहचान गए। अगर शराफत से उसका नाम बता दोगे तो तेरे जिस्म में जान बची रहेगी, नहीं तो तेरा नामो निशान मिटा दूंगी। नाम बताओ उसका। ए बाबू मार दो उसे। अगर तुम्हें जान से मार देंगे तो ये केस प्रूव नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो लोग तुम्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश करेंगे, गोली नहीं मारेंगे। अब बता दिया ना, अब तेरा नाम कोई पूछेगा ना तो ठोंक डालूंगा उसको। तुमने कहा था कि गोली नहीं चलाएंगे वो। पागल हो गई हो क्या? कितनी बार तुम्हें समझाया, कंट्रोल करो कंट्रोल करो। देख लिया ना, वो दोनों जब कस्टडी में थे तब उसने हिम्मत से कहा मर्द है तो मेरा नाम उगलवा कर दिखा, उगलवा कर दिखा। तब भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि ये जरूर उनका कोई प्लान है। गुस्से की वजह से मैं खुद को संभाल नहीं पाई। एक बात बताओ, कम बुद्धि वाला ही पागल नहीं होता, ज्यादा गुस्से वाला भी पागल होता है। कुछ देर के लिए मेरी तो जान निकल गई। अपना ख्याल रखना, ठीक है? गायत्री? गायत्री बिल्कुल ठीक है, उसका ख्याल रखें। सर, लीला फ्लैट में नहीं है, कहीं अंडरग्राउंड हो गई है। वो एकदम सनकी है, कब क्या करेगी कुछ कह नहीं सकते। वो जरूर मुझे ढूंढते हुए आएगी। सर, बोल लीला। कैसे किया, कैसे किया? ए, काम की बात कर। तुम्हारे बाप ने अशोक चक्र मेडल लिया था ना, चंद्र अलाइस सुभाष चंद्र बोस। उन पागलों से यही गलती हुई ना कि उन्होंने ये मेडल चुराया। ये ना चुराया होता या तुम्हारे घर में ना घुसे होते तो तुम इसमें नहीं पड़ते और ना ही कभी मेरे सामने आते। हो सकता है कर्ण अर्जुन से बड़ा योद्धा, लेकिन अर्जुन के हाथों कर्ण की मौत होगी लिखा है तो उसे कोई नहीं बदल सकता। ए, मेरे लिए दुश्मन का खून करना जरूरी नहीं, उससे जीतना जरूरी है। लेकिन कभी हालात हारने वाले हो जाएं, वो जीतने के लिए खून तो करना ही होगा ना। सर उठा कर देख। मेरी चलाई तलवार नहीं है, जो तलवार तुम्हारे इंतजार में है उसका बस एक सैंपल है।
गायत्री ने तुम्हारे भाई को मारा, इसलिए उसे मारना चाहते हो ना? उसे मारोगे तो एक ही झटके में मर जाएगी। तुम इसे मारो तो वो पूरी जिंदगी तड़पती रहेगी। ये यही है वो जिसने मुझे मारा था, इसे नहीं छोड़ूंगा। मिलिट्री, तू मारेगा ये मैं जानती हूँ। तेरी दुखती नस क्या है पता है? गायत्री हॉस्पिटल में ही है ना? मेरे दोनों भाइयों ने उसे घायल किया, उसी से तू इतना तड़प गया। अब मैं जाकर उसका पूरा काम तमाम कर दूंगी। दो जानों में से कौन सी जान बचाएगा तू? आ जा। मैं खड़े नहीं कर you
सारा गेम रिवर्स करना सिर्फ तू जानती है, मैं नहीं जानता। जो कहा है वो जल्दी कहा। कॉन्स्टेबल, फौरन गायत्री के कमरे से दो कमरे आगे जाकर खड़े हो जाओ। बाहर सिर्फ एक ही पुलिस वाला खड़ा है, इसीलिए काम हो जाएगा मत सोचना। यूनिफॉर्म में सिर्फ एक है, सिविल में 60 है। लीला, तेरा खेल अभी खत्म कर सकता हूं पर नहीं करूंगा। तुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है ना, इसीलिए 24 घंटे की मोहलत देता हूं। मेरी नजरों से बच के दिखा। अगर तू बच गई तो तुझे नहीं ढूंढूंगा। इट्स एन ओपन चैलेंज। क्या कहा था तूने? बी रेडी टू फेस मी। अब मैं कहता हूं दुआ कर कि तू मुझे ना दिखे। अगर दिख गए इसीलिए 24 घंटे की मोहलत देता हूं। मेरी नजरों से बच के दिखा। दुआ कर कि तू मुझे ना दिखे। अगर तू बच गई तो तुझे नहीं ढूंढूंगा। इट्स एन ओपन चैलेंज। सफोकेशन सा हो रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए टेरेस पर जाऊं। माया, मिस को ऊपर टेरेस में ले जाओ। ओके पापा। खेलना थोड़ी देर, मुझे ऐसे ही छोड़ दो। तो ठीक है, मैं नीचे जा रही हूं। कहां जा रही हो, तुम्हें तो खेलना था ना। चलो खेलते हैं। हेलो, खेलिए ना मिस। देख लो, सोचा था 24 घंटे तो आंख मिचोली खेलोगी, तुम तो 10 घंटे में ही फंस गई। पता है ओवर कॉन्फिडेंट लोगों का माइनस पॉइंट क्या होता है? उनके यकीन में जरा सी भी दरार आई तो बर्बाद हो जाते हैं, तुम्हारी तरह।
सुनो सर, नीचे उस बच्ची के रूम में तीन स्कूल बैग होंगे। उनमें से एक स्कूल बैग उस बच्ची का है और बाकी दो स्कूल बैग इस बच्ची का। उसी में इसके लूटे हुए जेवर पैसे सब होंगे, वो लेकर आए। ओके सर, चलो। बैग में पैसे? क्या हुआ लीला, शौक लगा? उस बैग में देखो। सर, जैसा आपने कहा, जेवर पैसे इसी में। तू हार गई। चंद्रू, एक कहावत है, मारो या मर जाओ। उसका दूसरा भाग मुझे बहुत पसंद है। सर, वो कूद गई सर। कुमार, पुलिस अपराधियों को जाल बिछाकर पकड़ती है ना, वो पकड़ती है या नहीं पता नहीं, पर यहां पकड़ लिया। बाप का मेडल तो जिंदगी भर भी ढूंढेगा तो नहीं ढूंढ पाएगा। लीला लीला। लीला, तू हमेशा गेम रिवर्स में खेलती है, यह मैं जानता हूं। 15 अगस्त के दिन सब लोग सुरक्षित हैं ऐसा सब सोचते हैं, लेकिन तूने उसी दिन चोरी की। चोरी करने वाले चोरी के बाद कहीं ना कहीं भाग जाते हैं, लेकिन तूने चोरों को जेल में ही सुरक्षित रखना चाहा। मैं मेडल ढूंढने शहर भर घूमूंगा, लेकिन तू उसे मेरे घर के गार्डन में दबाएगी। जब तू जान गई कि मैंने तेरा पैटर्न पकड़ लिया है, तुझे रूट बदलना चाहिए था ना, पर तू उसी रूट पे चलती गई। जब मेरे घर का सीसीटीवी कैमरा क्रैश हुआ, तभी मैं समझ गया तू मेरे घर में घुसी है। तू नहीं जानती तू कैसे फंसी है ना। पिताजी को कबूतर बहुत पसंद थे। जब भी वो मायूस हो जाते तो कबूतरों को देखने लगते। पिंजरे में कबूतरों की निगरानी के लिए मैंने एक और छोटा कैमरा फिट किया था। वहां देखो, कबूतरों के कैमरे में एक लोमड़ी फंस गई। पहले जो पार्शियल फिंगरप्रिंट्स मिले थे और मेडल पर मिले तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स को मैच करके, तुम ही गुनहगार हो, ये 100% कंफर्म हो गया। पता है अब तू क्या कहलाएगी? चोरनी। लीला, नाउ यू आर अ बिग जीरो। अब तेरी जिंदगी का हर एक पल तुझे कोसेगा। गेम ओवर। गणेश, तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक ऐसे ही नहीं आया, मेरी वजह से आया। बचने का कोई रास्ता नहीं था। आई एम सॉरी। वो करके दिखा दिया। अब ड्यूटी पे जाना होगा, अपना ख्याल रखना। बिजली चली गई, ये तो अपशगुन का संकेत है।
ऐसा कुछ नहीं होता दादी, ये अपशकुन वगैरह। एक मिनट, वी आर कॉलिंग फ्रॉम डायल फॉर हेल्प। आपके घर पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना, किसी इलेक्ट्रिशियन को भेज दे। बोल लीला। क्या कहा था? द गेम इज ओवर, खेल तो अभी शुरू हुआ है।